नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल फार्मेसी पॉइंट में। तो एक बहुत बड़ी अपडेट जो है वो बिहार सरकार की तरफ से देखने को मिल रही है। तो बिहार में कई वर्षों बाद जो है वो एलोपैथिक फार्मासिस्ट के पोस्ट पे 1539 पोस्ट पे जो है वो वैकेंसी आई थी, और इस वैकेंसी को जो है वो पहले मेरिट के बेसिस के ऊपर जो है उसको भरा जाना था, लेकिन अभी जो है वो नियम में बदलाव कर दिया गया है। जो आपका ये एग्जाम है वो अभी परीक्षा के आधार पर जो है वो कराया जाएगा, अभी जो है वो मेरिट बेसिस जो है वो भर्ती नहीं होगी। तो देखिए, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, एम्स हो गया, नेशनल हेल्थ मिशन हो गया, ईएसआईसी हो गया, रेलवे हो गया, यानी कि जिन भी डिपार्टमेंट में फार्मासिस्ट की वैकेंसी आती है, अगर आप इनकी तैयारी करना चाहते हैं तो आप फार्मेसी पॉइंट के ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, और जो अभी एम्स का बैच चल रहा है उसमें आप एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको प्ले स्टोर से जो है वो ऐप को डाउनलोड कर लेना है। और देखिए, आप फार्मेसी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पे जो भी प्लेलिस्ट बना हुआ है वहां से भी जो है आप अपने गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। अभी जो नेशनल हेल्थ मिशन का एग्जामिनेशन हुआ था दिसंबर 2022 में, उसकी भी जो है वो यहां पर कंप्लीट लाइव क्लास चली थी यूट्यूब पे। तो आपको यहां पर फार्मेसी पॉइंट का जो यहां पर प्लेलिस्ट बना हुआ है इसमें आपको सभी सब्जेक्ट के एमसीक्यू जो वीडियोज हैं वो देखने को मिल जाएंगे। और अगर आप और बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो आप फार्मेसी पॉइंट का जो ऐप है इस पे जो एम्स का बैच चल रहा है आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो हम यहाँ पर नोटिफिकेशन को देख लेते हैं। नोटिफिकेशन क्या है, तो देखिए ऐप पर आपको क्या क्या मिलने वाला है। तो आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास देखने को मिल जाएगी, पीडीएफ नोट्स आपको देखने को मिल जाएगा, साथ में आपको एमसीक्यू टेस्ट सीरीज आपको देखने को मिलेगी, जो कि प्रीवियस ईयर गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम में जो भी एमसीक्यू पूछा गया उसका सॉल्यूशन प्लस क्वेश्चन, आपको प्रीवियस ईयर के एमसीक्यू भी आपको देखने को मिल जाएंगे। आपको क्विक रिवीजन ईबुक दी जाएगी ताकि जो है वो आप कम समय में ज्यादा रिवीजन कर सकें। और सबसे बड़ी बात, आपको यहां पर एमसीक्यू टेस्ट सीरीज भी जो है वो आपको यहां पर ऐप पर मिलने वाला है विद सॉल्यूशन। तो आप यहां पर रियल टाइम में अपने एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकते हैं किसी भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम के। ठीक है, चलिए तो यहां पर नोटिफिकेशन क्या है वो हम देख लेते हैं। तो लिखा गया कि निदेशक प्रमुख रोग नियंत्रण लोक स्वास्थ्य पैरामेडिकल स्वास्थ्य सेवाएं बिहार पटना, और ये 19/9/2023 को जो है ये नोटिफिकेशन आया है। ठीक है, तकनीकी पद फार्मासिस्ट के लिए लिखित परीक्षा के द्वारा नियुक्ति की प्रक्रिया किए जाने के संबंध में। तो देखिए, मेरा मानना यहाँ पे कि देखिए, कोई भी भर्ती हो गया उसको परीक्षा के माध्यम से जो है वो कराया जाना चाहिए। ऐसे बच्चे जो कि यहाँ पर अभी समझिए 5 साल से 10 साल से वैकेंसी का इंतजार करते हैं और उसके बाद उनको पता चलता है कि जो यहाँ पर वैकेंसी है वो यहाँ पे मेरिट के बेसिस पे भरने वाली है, तो उससे उनको दुख होता है। ठीक है, तो जो भी परीक्षा कराई जाए उसको यहाँ पर आपको यहाँ पर मेरिट से ना करा के उसको जो है वो यहाँ पर एग्जामिनेशन के माध्यम से जो है वो कराया जाना चाहिए। तो इसमें लिखा गया कि महाशय निर्देशानुसार उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि सामान्य प्रशासन बिहार पटना के प्रासंगिक पत्र द्वारा बिहार तकनीकी सेवा आयोग की अनुसूची में शामिल जैसे तकनीकी पद जिनका चयन का आधार कॉलेज विश्वविद्यालय की अहर परीक्षाओं में प्राप्तांक का प्रतिशत है, उन सभी तकनीकी पदों पर चयन आयोग के स्तर पर परीक्षा अथवा परीक्षा सहित साक्षात्कार के द्वारा नियुक्ति करने का नए सिरे से प्रावधान करने का अनुरोध किया गया है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या लिखा गया है वो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। बिहार तकनीकी सेवा आयोग द्वारा फार्मासिस्ट के पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु विज्ञापन संख्या प्रकाशित किया गया है, जिसमें बिहार फार्मास संवर्ग नियमावली के आलोक में अद्यतन प्राप्तांक एवं अनुभव के लिए दिए अंकों के आधार पर नियुक्ति प्रक्रिया संपन्न किए जाने का प्रावधान निहित है। उल्लेखनीय है कि प्रासंगिक पत्र में आलोक में बिहार फार्मासिस्ट संवर्ग नियमावली में अपेक्षित संशोधन की प्रक्रियाधीन है। वर्णित स्थिति में फार्मासिस्ट के पदों पर नियमित नियुक्ति प्रकाशित विज्ञापन को अगले निर्देश तक तत्काल स्थगित रखने की कृपा की जाए। ठीक है, तो अभी जो है इस वैकेंसी को यहां पर रोक दिया गया है, और जब ये वैकेंसी आगे होगी तो इसको जो है वो परीक्षा के आधार पे जो है वो कराया जाएगा। तो ये बहुत बड़ी अपडेट है कि जो यहाँ पर भर्ती पहले आपकी यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे आपकी मेरिट बेसिस के ऊपर होने वाली थी, अभी जो है उसको यहाँ पर परीक्षा के माध्यम से जो है वो यहाँ पर 1539 पोस्ट पे एलोपैथिक फार्मासिस्ट की जो वैकेंसी है उस पे भर्ती की जाएगी। तो अभी से जो है वो आप अपनी तैयारी शुरू कर दें, और इसके लिए आपको फार्मेसी पॉइंट का जो ऐप है इसको डाउनलोड कर लेना है, और जो एम्स का बैच चल रहा है इसमें आपको एनरोल कर लेना है। बहुत ही कम फीस रखी गई है, स्टार्टिंग में 500 स्टूडेंट्स के लिए जो फीस है वो मात्र 300 रुपये रखी गई है। तो आप फटाफट से जो है इस कोर्स में एनरोल कर लें,
और आज की इस वीडियो में इतना ही। जो भी अपडेट्स वगैरह मिलता रहेगा उसके बारे में आपको समय समय पे जो है वो आपको सूचित किया जाएगा, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जो भी आपके क्लासमेट्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उनके साथ इस वीडियो का जो लिंक है उसको जरूर से शेयर कर दें। जय हिंद।